हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल, तो आप देख रहे हैं पीएस वाले। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो एक ऐसी जगह के ऊपर होने वाला है जो सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बीच में पड़ती है। जी दोस्तों, वो है ये नदी, और इस नदी का नाम है टिस्टा रिवर। तो दोस्तों, इसी नदी की वजह से कहा जाता है कि सिक्किम और वेस्ट बंगाल की जो सीमा है वो अलग दिखाई देती है। तो दोस्तों, पूरा का पूरा वीडियो इसके ऊपर होने वाला है, और इसी वीडियो के अंदर हम वो जगह भी देखेंगे जहां पर दो नदियां आपस में आकर मिल जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि झरनों में से छोटे छोटे पार्ट्स होकर एक बड़ी नदी बनती है, और फिर दो बड़ी नदियों मिलकर उससे भी बड़ी नदी बनाती है। तो पूरा वीडियो इसके ऊपर होने वाला है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहां पर आकर बैठने का सबसे बड़ा रीजन पता है क्या दोस्तों? क्योंकि जहां पर मैं बैठा हूं ये है वेस्ट बंगाल, और इस नदी के दूसरी साइड पे है सिक्किम। जी हाँ दोस्तों, ये जो आधी नदी है वेस्ट बंगाल के हिस्से आती है, और आधी नदी आती है सिक्किम के हिस्से। और लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि आगे जाके एक नदी और इसमें मिल जाती है, और जो ये पानी का स्तर है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जो वीडियो को शुरुआत करने का मजा भी यहीं से था, हालांकि हम वहां से शुरुआत कर सकते थे, लेकिन जो मजा यहाँ से शुरुआत करने का है वो अलग ही है, क्योंकि यहाँ पर अलग से दिखाई देता है कि ये वेस्ट बंगाल और वो सिक्किम। तो दोस्तों, अभी हम वहां पर निकलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दिखाता हूं यहां के अच्छे अच्छे ड्रोन व्यू। तो चलिए दोस्तों, अभी हम अगली मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन सच बताना दोस्तों, मज़ा तो आया होगा ना ड्रोन व्यू के साथ में, कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी दोस्तों, ऐसे ही ख़त्म नहीं होता यहाँ पे रास्ता, पूरा का पूरा रास्ता ऐसे ही रोमांचक है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ऐसे व्यू हैं इस रास्ते के ऊपर जो देख कर आप हैरान रह जाएंगे, मतलब काफ़ी सुंदर सुंदर जगह है दोस्तों। तो अभी जो मैंने बताया था, जहाँ पे दो नदी आगे मिलती हैं, वैसे तीन से चार नदी आगे मिलती हैं, और बहुत अच्छे अच्छे व्यू हैं, लेकिन इस सड़क को जो है, मतलब मैं दिखाना चाहता था, क्योंकि ये जो सड़क है काफ़ी सुंदर नज़ारे यहाँ के हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ऊपर पाइन ट्री वगैरह हैं, और थोड़ी थोड़ी बारिश भी गिर रही है। लेकिन अभी हम जहाँ पर, ये देखिए अभी साइड में, यहाँ पर मैं अभी दिखाने वाला हूँ आपको, जहाँ पर अभी हम गाड़ी रोकेंगे, एक बहुत ही सुंदर जगह है दोस्तों, और वो देखने लायक है। तो चलिए अभी वहीं पर चलते हैं। और अभी दोस्तों, मैं जिस तरीके से जहाँ पर ये चल रहा हूँ ना, जो पहाड़ों में जाने के शौकीन है वही इस फील को समझ सकते हैं, एक सेकंड में वो समझ जाएंगे कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सफर जारी है, और बस उस हिस्से के पास पहुँचने वाले हैं, लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जहाँ पर ये दो नदियाँ मिलती हैं ना, वहाँ पर क्या है, एक बहुत बड़ा ब्रिज है, और वहाँ पर आसपास हमें ड्रोन अलाउड होगा या नहीं होगा वो मैं श्योर नहीं हूँ। इसलिए मैं सोच रहा था कि यहाँ का जो व्यू है उससे भी ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने सोचा एक बार यहाँ पर व्यू ले लेते हैं, और फिर वहाँ से आपको मैं सीधा ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हम चलेंगे, देखते हैं, वो व्यू हमें मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी टाइमिंग 6 के आसपास हो गया है, तो वहाँ पर पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी, तो उस टाइम पर वो व्यू हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ कन्फर्म है कि यहाँ से सिर्फ 1-2 किलोमीटर ही दूर है, और लेकिन पहाड़ों में आपको पता है दोस्तों, जो 1 किलोमीटर भी कम से कम भी 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर के बराबर हो जाता है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। और इस जगह की अगर बात करूं तो दोस्तों, यहां का जो व्यू है मैं आपको ड्रोन से दिखाता हूं, कितना मस्त व्यू आया, वो एक बार आप जरूर देखिए। दोस्तों, आज वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो के साथ बने रहेंगे तो पूरा मज़ा आएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे व्यू मैं इसमें दिखाने वाला हूँ। और लेकिन दोस्तों, जिसको जाना है वो तो जाएगा भी, उसको तो मैं रोक भी नहीं पाऊँगा। दोस्तों, ये जगह सच में ही शांत है, बहुत शांत। और होता ना, जिस जगह की इंसान तलाश करता है पहाड़ों में आके, कुछ उसी तरह का व्यू और उसी तरह का मंजर है। तो इसीलिए एक बार ना बैठ गया हूँ, और सच में दोस्तों, बहुत अच्छे वाइब आ रहे हैं, और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। आराम से बैठे हैं, साथ में नदी है कलकल, और दूसरी बात, कोई शोर शराबा नहीं, कोई आसपास कोई और गाँव या होटल नहीं है,
और एक रिजोर्ट है, चार पांच घर हैं बस। तो सड़क भी आसपास नहीं, सड़क भी यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर ही है। तो एक अच्छा माहौल मेरे को लगा और सच में मज़ा आ रहा है। मतलब जैसे बैठो ना, माइंड पूरा शांत, और आप खुद होता ना कि मतलब भले ही मैं मेरी नज़र से देख रहा हूँ, लेकिन कैमरे की नज़र से भी आपको इतना तो दिख ही रहा होगा कि कैसी वाइब आ रही है और कैसा माहौल है। तो अच्छा लग रहा है दोस्तों। सिक्किम के साइड में कुछ ऐसे भी मुझे मिले, ऐसी ऐसी जगह मेरे को मिली जो हम लोग अक्सर ढूंढते हैं अपने लिए। जब भी हम सुकून से कहीं जाना चाहते हैं 10-15 दिन की छुट्टियों के लिए, तो उस तरह का जो माहौल हमें चाहिए होता है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। लेकिन मैं मनाली साइड में बहुत बार गया हूँ, शिमला साइड में, इस तरह का माहौल इस तरह का नहीं मिला है। हालाँकि जो उत्तराखंड है वो देवभूमि है, देवभूमि की तो माया ही अलग है, लेकिन यहाँ पर भी ये बौद्ध की धरती है। सिक्किम में बौद्ध धर्म की काफ़ी मान्यता है। उत्तर की साइड का जो एरिया है उसके हिसाब से ये एरिया बहुत ज़्यादा धार्मिक है। अब वेस्ट बंगाल को उठा के देख लीजिए, कोलकाता की साइड में कितनी सारी धार्मिक, ऐसे कोई धार्मिक पर्व नहीं है जो वहाँ पे नहीं मनाया जाता, सारे के सारे पर्व वहाँ पे मनाए जाते हैं। और इसी तरीके से दोस्तों, जब मैं सिक्किम की साइड में आया हूँ तो यहाँ पे तो माहौल ही अलग है दोस्तों। मतलब जितना माहौल बढ़िया कोलकाता साइड में होता है धार्मिक, लोग बहुत पसंद करते हैं, तो उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल यहाँ पे। मतलब मेरे को जो धार्मिक स्थल के मामले में अगर किसी को पहले नंबर पे लाऊंगा तो मैं सिक्किम साइड, जो ये नॉर्थ ईस्ट साइड है, इसको लाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आज भी मठ है, आज भी मंदिरों के अंदर आज भी गुरुकुल की तरह उनको यूज़ किया जाता है, मंदिरों को, वहाँ पे आज भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे देखी। लेकिन उत्तराखंड में भले ही देवभूमि है, लेकिन वहाँ पे वो वाइब होती है ना, कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे आपको अंदर से फील आएगा, लेकिन यहाँ पे पता नहीं एक अजीब सी शांति है दोस्तों। मतलब लगता है कि हाँ। और दूसरा, जो उत्तराखंड की तरफ हम निकलते हैं मनाली की तरफ, तो इंसान 4 दिन में 5 दिन में 10 दिन में थक जाता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको हर वक्त अलग व्यू है। आप मेन रोड से थोड़ा सा हटने की अगर कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा व्यू मिल जाएगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ऐसी बात नहीं कि वो ऐसी है, तो उसके पास में कोई ना कोई रिजोर्ट तो मिल ही जाता है। तो जो आप ढूंढ रहे हैं, अब एक ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आराम से कैंपिंग करिए। अगर आप आए हैं तो कैंपिंग करिए, कैंपिंग का मज़ा अलग ही है दोस्तों। यहाँ पे एक अच्छी कैंपिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे आराम से खाना बनाइए, गाड़ी रोकिए, अपने टेंट वेंट लगाइए, पास में नदी है और साफ सुथरा पानी है, तो मज़ा अलग है दोस्तों। जो होता ना कि दोस्तों, इतना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक अंदर का फील होता है जो मैं आपको अपने जो दिल की बात है वो बोल रहा हूँ। तो कैसा है ये स्थान आप खुद ही देख पा रहे हैं। लेकिन अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्योंकि शाम होने वाली है, और अब देखते हैं अगर वो व्यू हमें मिल जाता है जहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं तो बहुत अच्छा है, वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर वो व्यू नहीं मिलता है तो फिर भी हमें वीडियो तो कंप्लीट करना है, क्योंकि हमें इतना कुछ देखने को मिल गया वहाँ पे। एक्चुअली क्या है दोस्तों, एक मेन रोड है, मेन रोड के साइड में बहुत गहरा पानी है दोस्तों। एक नदी इधर से आती है, एक इधर से मिल जाती है, वो बहुत गहरा पानी है। बस यही मेन है वहाँ पे, तो जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा, लेकिन इस तरह के व्यू वहाँ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे शहर आ जाता है ना दोस्तों। जहाँ पे वो दो नदियाँ मिलती हैं, टिस्टा नदी, वहाँ पे बड़ा सा शहर आ जाता है। तो चलिए, अब तो काफ़ी टाइम हो गया आपसे बात करते करते और आराम से बैठ भी लिया, तो चलिए आगे बढ़ते। तो दोस्तों पहुँच गए हैं उस स्थान पर जहाँ पर वो दो नदियाँ मिलती हैं। वैसे तो बहुत सारी नदियाँ इसके अंदर मिलती हैं, क्योंकि छोटे छोटे झरने मिलकर ही बहुत सारी नदियाँ बनाते हैं, और वो नदियाँ आपस में इसमें मिलती रहती हैं। लेकिन ये मेन नदी एक ही है, टिस्टा नदी। तो इस ब्रिज के ऊपर, जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, यहाँ से पूरा साफ दिखाई देता है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों मेरे को लगा था यहाँ पे आते आते काफ़ी रात हो जाएगी, मैं यहाँ पर पहुँच ही नहीं पाऊँगा, लेकिन यहाँ पर आए तो काफ़ी रोशनी और काफ़ी अच्छे से हमें ये व्यू दिखाई दे रहा है जिसे हम देखना चाहते थे। तो ये अच्छा हो गया है कि हम टाइम से यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो नज़ारा बिल्कुल क्लियर है। मुझे लगा था यहाँ पे मेरे को ड्रोन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जैसा व्यू यहाँ से आ रहा है, पीछे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। एक नदी इस साइड से है, एक नदी मेरी साइड से जा रही है और सीधा फिर आगे निकल जा रही है, तो ड्रोन की तो जरूरत ही नहीं है, बड़ा साफ व्यू है। दोस्तों इसी तरीके से छोटी छोटी नदियां मिल मिल के जब आखिरी में ये नदी बनती है ना, टिस्टा नदी, जो इसका विशाल रूप हमें दिखाई देता है, इतना ज्यादा पानी हो जाता है कि वहां पे कहा जाता है आज तक जितनी भी गाड़ियां एक्सीडेंट हुई हैं, जितनी भी गाड़ियां उसके अंदर गिरी हैं, कोई बच के वापस नहीं निकल पाया है।
दोस्तों मुझे तो नहीं लगता आप बोर हुए होंगे, लेकिन फिर भी दोस्तों सिर्फ एक लास्ट व्यू बचा है, बस वो इसी रास्ते पर पड़ता है और उसके लिए मैं अलग वीडियो नहीं बनाना चाहता था, इसलिए मैं सोचता हूँ कि इसी वीडियो के अंदर उसको दिखा दूँ। बस एक लास्ट व्यू बचता है बस, और वो दोस्तों सच में ज़बरदस्त व्यू है, वो देखने लायक है दोस्तों। मतलब एक पूरे पहाड़ के बीच में एक गाँव है और साथ में नदी है, और बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है दोस्तों, वो देखने लायक है, मतलब आपको कश्मीर की याद दिला देगा। बस एक बार वो और देख लेते हैं, और ये पाइन ट्री से तो फील आ भी रहा है कि हाँ हम कश्मीर की साइड में हैं। दोस्तों इस तरह के व्यू की बात कर रहा था मैं, हर जगह पूरे रास्ते पर आपको इसी तरह के व्यू मिलेंगे, मतलब एक बार भी आप रास्ते में बोर नहीं होंगे, मतलब आपको ना ये व्यू ना बांध के रखेंगे। देखिए ये नज़ारा देखिए, और फिर इधर देखिए ये वाला नज़ारा, ये देखिए दोस्तों, मतलब पूरा का पूरा है ना, सारा का सारा रास्ता आपको बांध के रखता है। एक बार भी मेरे को, एक तब से हम चले जा रहे हैं, एक भी ऐसा रास्ता नहीं आया कि हम यहाँ से निकल के और वहाँ पे थोड़ा बोर हो गए। हाँ अगर शहर की बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा होता है, क्राउड है, बिल्डिंग वगैरह है, तो ये व्यू नहीं मिल पाता, लेकिन अगर जैसे आप क्राउड से बाहर निकलते हैं, शहर से बाहर निकलते हैं, तो व्यू आपको ना बांध के रखेगा। ये मजा सिक्किम में बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो, छोटा नहीं एक्चुअली बहुत बड़ा हो गया ये वीडियो, टिस्टा नदी के ऊपर, या फिर हम कह सकते हैं वेस्ट बंगाल और सिक्किम की सीमा के ऊपर। तो कैसा लगा ये वीडियो और कैसे लगे इसके ये जो व्यू पॉइंट है, तो आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, देखते रहिए PS वाले।